सीबीएसई बोर्ड में छात्राओं ने जनपद में लहराया परचम। कक्षा 10 में कुमारी आस्था सिंह ने 98.6%, कक्षा 12 में कुमारी चांदनी सरोहा ने 96.2% अंक लेकर जिले में परचम लहराया है। झिंझाना 22 जुलाई सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 में सेंट आरसी की कुमारी आस्था सिंह ने 98.6% अंक हासिल कर तहसील टॉप करते हुए जनपद में अपना परचम लहराया है, जबकि कक्षा 12 में एसडीएस पब्लिक स्कूल की छात्रा चांदनी सरोहा ने 96.2% अंक हासिल कर तहसील टॉप करते हुए जनपद में सिक्का बुलंद कर कस्बे में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होने पर छात्रों एवं अभिभावकों के साथ साथ शिक्षक समाज में हर्ष का माहौल है। शुक्रवार को सीबीएसई की कक्षा 10 एवं 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित होते ही बच्चों के चेहरे खिल गए। प्रतिभावान बच्चों को परिजनों शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी है। करनाल हाईवे पर स्थित एसडीएस कॉन्वेंट स्कूल का परीक्षा फल 100% रहा। इस वर्ष एसडीएस स्कूल में कक्षा 10 में कुल 48 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और सभी उत्तीर्ण हुए। विद्यालय के छात्र अक्षित सैनी ने 93% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निशांत कुमार 92% अंकों के साथ द्वितीय स्थान एवं छात्रा अद्वितीय आर्य ने 90.2% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। यहां 5 छात्रों के अंकों का प्रतिशत 80-90 के बीच रहा, 8 छात्रों के अंकों का प्रतिशत 70-80 के बीच, जबकि 15 छात्रों के अंकों का प्रतिशत 60-70% के बीच रहा है। यहां कक्षा 12 में कुल 36 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और सभी उत्तीर्ण हुए, 100% रिजल्ट रहा। विद्यालय की छात्रा चांदनी सरोहा ने 96.2% अंकों के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर तहसील को टॉप किया है। उदित एलावत 94.2% अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि विद्यालय की छात्रा तनु गहलोत ने 90.8% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कुमारी उपेक्षा ने 90.4% अंक लेकर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। स्कूल में 9 छात्रों के अंकों का प्रतिशत 80-90 के बीच में रहा, 7 छात्रों के अंकों का प्रतिशत 70-80 के बीच रहा तथा 16 छात्रों के अंकों का प्रतिशत 60-70% के बीच रहा। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों एवं अभिभावकों को दिया। विद्यालय प्रधानाचार्य सतीश भटनागर, विद्यालय चेयरमैन लोकेश तोमर एवं विद्यालय प्रबंधक शिवपाल आर्य ने सभी विद्यार्थियों को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है। कस्बे में शामली हाईवे पर स्थित सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल में भी सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10 का परिणाम 100% रहा। यहां कुमारी आस्था सिंह ने 98.6% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले में भी अपना परचम लहराया है। कुमारी वृष्टि ने 98% और मनीष कुमार ने 95.6% अंक हासिल कर क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आरजू खेवाल ने 94.2% अंक प्राप्त कर स्कूल में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। सेंट आरसी स्कूल में ही कक्षा 12 में कुमारी वर्षा ने 94.8% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वैभव संगल ने 93.6%, कुमारी श्रुति ने 92.8% अंक प्राप्त कर स्कूल में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यहां कुमारी प्राची खेवाल ने 90.6% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्रबंधक प्रमोद कुमार सरोहा, प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यार्थियों अभिभावकों एवं अध्यापकों को बधाई दी है। कस्बे में ऊन मार्ग पर स्थित डिसेंट पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 में सरप्रीत बहाल ने 95.8% अंक लेकर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि अर्शदीप चौधरी ने 92.8% अंक एवं कुमारी शैली ने 92.2% अंक लेकर क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यहां कक्षा 12 में आयुष्मान मानियान ने 88.2% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल में टॉप किया है, जबकि रमन ने 87.4%,
एवं आर्यन ने 74.4% अंक लेकर क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक ने स्कूल में उपस्थित छात्रों अभिभावकों को अच्छे अंक लाने के लिए बधाई दी है। कस्बा स्थित सेंट आरसी झिंझाना की कुमारी आस्था सिंह ने 98.8% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता एवं शिक्षकों को गौरवान्वित किया है। परिजनों में खुशी का माहौल है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने मोहल्ला सैदमीर स्थित उक्त छात्रा के घर पहुंचकर बालिका का मुंह मीठा कराते हुए अपना आशीर्वाद एवं बधाई दी है। बता दें कि कस्बा स्थित राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज के प्रवक्ता नरेंद्र कश्यप की बेटी आस्था सिंह ने कक्षा 10 में उच्चतम अंक प्राप्त कर आगे बढ़ते रहने का हौसला दिखाया है और कस्बे में टॉप स्थान प्राप्त किया है, जबकि जनपद में भी परचम लहराया है। बेटी ने अपने भाई से प्रेरणा लेकर अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता एवं शिक्षकों को श्रेय दिया है। छात्रा ने भविष्य में विज्ञान में रुचि दिखाते हुए आगे बढ़ने की इच्छा जताई है। मीडियाकर्मी ने भी परिजनों के बीच पहुंचकर बेटिया को बधाई दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट प्रेमचंद वर्मा की।